दोस्तों, राजे रजवाड़ों की कहानियाँ हम सब इतिहास में पढ़ते हैं और 21वीं सदी में इनके बारे में सोचना भी अजीब लगता है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ आज भी एक क्वीन है और वो काफी पावरफुल भी है। सभी नोटों पर क्वीन की ही तस्वीर लगती है। क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट यानी कि देश का मुखिया भी कहा जाता है। क्वीन और उनके पूरे परिवार पर लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के पैसों से खर्च किए जाते हैं। पर कोई भी डेमोक्रेटिक देश राजशाही सत्ता को कैसे मान्यता दे सकता है? क्या है ब्रिटेन की इस अजीब सी पॉलिसी की पूरी कहानी, जानेंगे हम सभी आज की इस वीडियो में। तो अंत तक कहीं मत जाइएगा। क्वीन एलिजाबेथ के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ना वो सिर्फ ब्रिटेन की बल्कि कनाडा जैसे मुल्क जो पहले कभी अंग्रेजों के अधीन थे उनकी भी हेड ऑफ स्टेट है। ना ही क्वीन को किसी पासपोर्ट की जरूरत है, ना ही वीजा की, और वो फिर भी किसी भी देश में यूं ही जा सकती हैं। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि सभी पासपोर्ट क्वीन के नाम पर ही ऑथराइज होते हैं। और आज भी ब्रिटेन के राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन में लोग क्वीन के प्रति वफादार होने की ही शपथ लेते हैं। क्वीन के पास देश के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने से लेकर बर्खास्त करने की ताकत होती है। साथ ही देश की सारी डिफेंस फोर्सेस भी क्वीन के ही अधीन रहकर काम करती हैं। इस सब जानकारी के बाद लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक राजशाही है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं? इसका जवाब उतना आसान नहीं है। तथ्य को खंगालें तो पता चलता है कि चाहे रानी के पास ये सभी ताकतें हैं लेकिन वो उनका कभी इस्तेमाल नहीं करती। रानी के पास ये पावर्स भी हैं कि संसद में पास हुए किसी भी बिल को अप्रूव होने से लेकर रोक सकती हैं। पर आखिरी बार ऐसा 1708 में हुआ था, यानी 300 सालों से किसी भी शासक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के काम में दखलंदाज नहीं किया है। और ये मोटे मोटे तौर पर माना जाता रहा है कि क्वीन के पास पावर तो है लेकिन वो कभी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अगर वो कभी इनका इस्तेमाल करती हैं, तो हो सकता है लोग उनके खिलाफ हो जाएं और एक विरोध खड़ा कर दे जिसके चलते शायद क्वीन को अपनी सत्ता ही खोनी ना पड़ जाए। पर सवाल ये है कि अगर ये पद किसी भी काम का नहीं है और क्वीन के पास कोई भी पावर नहीं है तो क्यों ब्रिटिश जनता के टैक्स का पैसा क्वीन के ऊपर खर्च किया जाता है? हर साल रॉयल फैमिली पर 6 करोड़ पाउंड से ज्यादा खर्च किए जाते हैं और इसी में अगर उनकी सिक्योरिटी और बाकी खर्च भी जोड़ लिया जाए तो ये रकम 20 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ रुपए हो जाती है। और ये सभी पैसा बस एक परिवार की देखरेख में खर्च किया जा रहा है। अभी 2019 में ही 3000 करोड़ रुपए की लागत से क्वीन के बकिंगम पैलेस की मरम्मत करवाई गई है। ये फिजूल खर्च नहीं है तो और क्या है? लेकिन अगर आप किसी भी ब्रिटिश नागरिक को ये सब कहेंगे तो वो दो तरह के तर्क देगा। पहला तर्क है कि ये हमारी धरोहर और पहचान का हिस्सा है जिसे बचाने के लिए हम ये पैसा खर्च कर रहे हैं। और दूसरा तर्क तो और भी मजेदार है कि बकिंगम पैलेस जैसी जगहों को देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं जिससे सरकार की कमाई होती है। अब पहले तर्क को देखा जाए तो ब्रिटिश नागरिक ये कहना चाहते हैं कि उनकी धरोहर एक परिवार के तले गुलामों की तरह रहना है और सिर्फ इसलिए एक परिवार की पूजा करनी है क्योंकि बस उन्होंने खुद को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया हुआ है। यानी आप एक आजाद नागरिक की तरह रहना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर टैग एक गुलाम का ही लगेगा। यूके में बहुत से लोग इस सोच से प्रभावित हैं और एक सर्वे के मुताबिक 76% लोग क्वीन के रहने को सही मानते हैं। अब ये तर्क कितना सही है उसका फैसला आप खुद कीजिए। चलते हैं दूसरे तर्क की तरफ कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पैलेस को देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं। लॉकडाउन से पहले के आंकड़ों के मुताबिक रॉयल फैमिली के इस पैलेस को एक साल में 5 लाख लोग देखने आए जिससे उनकी 2000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि इस विजिट में आप बकिंगम पैलेस के सभी हिस्सों में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ क्वीन और उनका परिवार रहता है। इसे ही अगर ब्रिटेन के पड़ोसी देश फ्रांस से कंपेयर किया जाए जहाँ कोई राजा नहीं है, वहाँ के एक राजमहल द लॉर्ड को देखने उसी साल 85 लाख लोग आए थे, बकिंगम पैलेस से 17 गुना ज्यादा, क्योंकि वहाँ के पैलेस को अब म्यूजियम बना दिया गया है जो जनता के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। राजशाही के साथ दूसरी परेशानी ये है कि चाहे क्वीन कभी आधिकारिक तौर पर सरकार के कामों में दखल नहीं देती लेकिन द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन ने एक साल में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में मौजूद अपने साथियों की मदद से
1062 बिलों को पास होने से रुकवाया है। ये सीधा सीधा किसी भी डेमोक्रेसी पर चोट है। इसके अलावा रॉयल फैमिली को अनगिनत छूट है, जैसे उनके पास कितना पैसा है उन्हें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ना ही उन्हें टैक्स देना होता है। वो किसी भी अपराधी को माफ करके उसकी सजा समाप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो कोई क्राइम भी करते हैं तो उन्हें उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। कई बार ये देखा भी गया है कि क्वीन ने ऐसे ही पार्लियामेंट में अपने करीबी लोगों का फायदा उठाकर पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लॉ भी पास करवा लिए हैं जो उनकी और उनके परिवार की ताकतों को बढ़ा देते हैं। हाल के कुछ सालों में इन बातों के सामने आने के बाद कुछ लोगों से ये मांग उठी है कि रॉयल फैमिली को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। पर अगर कोई पार्टी ये चाहे भी कि रॉयल फैमिली को सत्ता से हटा दिया जाए तो उसमें कई पेच हैं। जैसे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कभी भी एक बिल लाकर इस सिस्टम को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन मौजूदा रूल्स के मुताबिक ऐसे बिल पर भी पहले क्वीन के साइन लेना जरूरी है। और अगर मान लेते हैं कि क्वीन या आगे चलकर उनके परिवार का कोई सदस्य इस पर आपत्ति जताता है तो आप उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी सेना ने तो क्वीन को ही बचाने की कसम खाई हुई है। इसके अलावा दूसरी दिक्कत ये है कि अगर क्वीन अपनी सारी ताकत को छोड़ने के लिए तैयार हो भी जाए तो आपको एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को देश का मुखिया चुनेंगे। फिर उसके लिए कागजी कार्यवाही है, पूरे के पूरे सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। इस आलस के कारण भी कई सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। पर जनता का गुस्सा बिल्कुल सही है। जैसे भारत में लाल किला मुगलों का ना होकर जनता का है, उसी तरह बकिंगम पैलेस में भी कैसे किसी परिवार को रहने की जगह दी जा सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि वो एक राज परिवार में पैदा हुए हैं। ब्रिटेन में कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन देश का मुखिया नहीं, क्योंकि देश का मुखिया बनने के लिए उसे भी उस परिवार में पैदा होना होगा। क्या आप इसे डेमोक्रेसी मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही ब्रिटेन के इस दोहरे चरित्र पर आपके और भी विचार हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।